प्यारे दोस्तों, देखिए कि इस टॉपिक में डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस किसे कहते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ये ऑकर होता है नॉट जस्ट द एक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स बट आल्सो इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस की वजह से भी नेचुरल रिसोर्सेस का डिग्रेडेशन हो रहा है, कम होते जा रहे। कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है कि पहला है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो यहां पर देखिए कि ये सॉइल इरोजन किसे कहते हैं। देखिए कि ये सॉइल इरोजन नेचुरल प्रोसेस है, इनमें टॉप सॉइल जो भी फील्ड की होती है, कैरी डाइव होती है फिजिकल सोर्स जैसे विंड जैसे, तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। और डेजर्टिफिकेशन ये भी एक प्रोसेस है, फर्टाइल लैंड ये डेजर्ट बन जाती है टिपिकली रिजल्ट ऑफ ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और इन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर की वजह से। तो ये सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन ये महत्वपूर्ण है। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस का मतलब गलत जो भी संसाधन है, नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग या रख रखाव, इनमें गिरावट आना। सॉइल इरोजन में द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल, जो भी धरती पर फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो डेवलप होने के लिए कई शतक लगते हैं। और दिस फर्टाइल टॉप सॉइल को बहुत सारे शतक लगते हैं डेवलप होने के लिए और इट कैन बी रिमूव, ये रिमूव हो जाती है वेरी इजीली। कैसे रिमूव होती है ये फर्टाइल टॉप सॉइल? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है कि जिससे फर्टाइल टॉप सॉइल ये रिमूव होती जा रही है? तो देखिए कि आपने इस पिक्चर में सॉइल इरोजन के बारे में ये देखेंगे, ये पढ़ा है, और ये डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन एक साथ होने वाली प्रोसेस है। ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसकी कौन से कॉजेस है, आगे की स्लाइड में देखेंगे प्यारे दोस्तों। साथियों, कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, पहला कॉज है ओवर कल्टिवेशन, मतलब एक ही अत्यधिक जुताई करना, अत्यधिक उस क्रॉप बार बार एक ही क्रॉप लेना, उसे ओवर कल्टिवेशन कहेंगे। दूसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, यहां पर देखिए कि इस एरिया में बहुत सारे जानवर चल रहे हैं। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ये वनों की कटाई, बहुत सारे जंगल काट दिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट है पोअर इरिगेशन प्रैक्टिस, यानी कि पोअर इरिगेशन प्रैक्टिस मतलब कि जो भी आप इरिगेट कर रहे हैं फील्ड्स को, तो उनमें साइंटिफिकली नहीं कर रहे, उससे पोअर इरिगेशन प्रैक्टिस। तो ये ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोअर इरिगेशन प्रैक्टिस, इनका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस ऑफ द लैंड। यहां पर देखिए कि ये चारों कारणों से ये एरिड पैचेस लैंड के बनते जा रहे हैं। इस पिक्चर में गौर से देखिए पहले दोस्तों कि आपको एग्जाम में पूछेंगे कि एरिड पैचेस ऑफ लैंड कैसे बनते हैं, तो ये चार आपको मालूम होने चाहिए। ओवर कल्टिवेशन, अत्यधिक जुताई, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, अनियंत्रित द्वारा ये जानवरों को चराना, चराई करना, डिफॉरेस्टेशन होना और पोअर इरिगेशन प्रैक्टिस, यानी कि पानी का दुरुपयोग करना, और इससे एरिड पैचेस बनते हैं और डेजर्ट बनता है। देखिए कि वेन लार्ज बैरन पैचेस, यदि ये छोटे छोटे एरिड पैचेस जब लार्ज फॉर्म में होते हैं, ये पैचेस जब एक्सटेंड होते हैं और मीट ओवर अ टाइम, कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद, ये लैंड डेजर्ट बन जाती है, यानी कि डेजर्ट क्रिएट कैसा होता है, डेजर्ट क्रिएट होता है वेन लार्ज बैरन पैचेस एक्सटेंड एंड मीट ओवर अ टाइम, डेजर्ट इज क्रिएटेड, याद रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों की, इंटरनेशनली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डेजर्टिफिकेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउ ए डेज। ये सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व की बात हो रही है कि पर्टिकुलरली डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज्ड अर्बेनाइजेशन की कारण से हो रहा है, कि इंक्रीज्ड अर्बेनाइजेशन में आप कॉलोनीज बना रहे हैं, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड ये नॉन एग्रीकल्चर में बना रहे हैं, तो इससे ये रोड बनाने के लिए ये आप यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों की, नेचुरल रिसोर्सेज का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन में वाटर लॉगिंग और एंड सॉइल सैलिनिटी, ये भी एक प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन में नेचुरल रिसोर्सेज की। देखिए कि इरिगेशन, यानी कि खेत में जो भी आप क्रॉप ले रहे हैं उसको आप इरिगेट कर रहे हैं, तो इरिगेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज की बात चल रही है और ये वाटर लीड्स टू ए वाटर लॉगिंग, यानी कि पानी का उचित जल निस्सारण नहीं कर रहे। यदि उचित जल निस्सारण होता है तो वाटर लॉगिंग नहीं होगा, ये सिंचाई करने मिट्टी में जल जमा होता हो जाता है और इसका परिणाम क्या होता है, देखिए कि बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप्स, ये क्रॉप को वाटर लॉगिंग अफेक्ट करता है। वाटर लॉगिंग ड्रॉज ए सॉल्ट टू द सर्फेस ऑफ द सॉइल, ये यदि ज्यादा मात्रा में पानी आप क्रॉप को दे रहे हैं तो क्या होता कि ज्यादा पानी की वजह से सॉइल में का जो भी सॉल्ट होता है ये जमीन की ऊपर की सतह पर आता है, यानी कि जल भराव मिट्टी की सतह पर नमक खींचता है। प्यारे दोस्तों, ये सॉल्ट देन इज डिपॉजिटेड एज ए थिन क्रस्ट, ये छोटा एक क्रस्ट बन जाती है, लेयर बन जाती है लैंड की सरफेस पर, और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, उस खेत में जो भी प्लांट्स आप क्रॉप ले रहे हैं उस क्रॉप की प्लांट के जो रूट्स पर ये सॉल्ट जम जाते हैं। दिस इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट, ये सॉइल में का सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज होता है, उसे इनिमिकल यानी कि ये सॉल्ट कंटेंट ये हार्मफुल होता है, किस लिए, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए, एंड इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग द एग्रीकल्चर, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन जो भी होता है तो ये रिड्यूस होता है। वाटर लॉगिंग यानी कि जल भराव कहेंगे उसे, एंड सॉइल सैलिनिटी, तो सॉइल सैलिनिटी यानी कि ये एक्युमुलेशन और इंक्रीज सोल्युबल सॉल्ट इन द सॉइल, उसे सैलिनाइजेशन कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं, और सॉल्ट एंटर वाया इरिगेशन, तो ये सॉइल सैलिनिटी, ये वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये समस्या है। कौन सी ऐसी समस्या है, ये समस्या दैट हैव कम इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। साथियों, ग्रीन लिवरेशन की जब बात करते हैं तो लेट 60s में, 1960s में क्या हुआ था कि पूरे विश्व में ये क्रॉप व्हीट और राइस के क्रॉप, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिड वैरायटी व्हीट और क्रॉप की, और उसे फर्टिलाइजर का भी यूज किया था, कई डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई थी, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ था, तो ये वाटर लॉगिंग यानी कि इरिगेशन भी उस साल के दौरान ज्यादा इरिगेशन प्रैक्टिस की थी और ये अनरिस्ट्रिक्टेड थी, तो इससे ये वाटर लॉगिंग की और सॉइल सैलिनिटी की समस्या ये पैदा हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों की डिफॉरेस्टेशन, ये भी नेचुरल फॉरेस्ट तो नेचुरल रिसोर्सेस से अभी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके क्या परिणाम होते हैं, देखिए कि ये लार्ज एरिड पैचेस जो भी होते हैं डेजर्ट में बन गए हैं क्योंकि पेड़ों की कटाई हुई है, वनों की कटाई हुई है। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं साथियों, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, जो भी अर्थ पर फॉरेस्टेड एरिया है उस एरिया का नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्जन होना, उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पेड़ों की कटाई ह्यूमन की वजह से हो रही है, कैसे, देखिए कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स। देखिए यहाँ पर एक आपको पिक्चर के साथ समझा रहा हूं, ये अर्थ का मैप है समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि इस इलाका, ये नॉर्थ कहेंगे, इधर नॉर्थ और ये है साउथ, साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस बीच में जो भी इलाका आता है उसे ट्रॉपिक कहेंगे, ये ट्रॉपिकल जोन है। इस इलाके में ये सनलाइट रेज जो भी होती है तो ये स्टेट होती है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पर देखिए ये सब ट्रॉपिकल जोन है या इधर साउथ की तरफ सब ट्रॉपिकल जोन है, तो बायोडाइवर्सिटी ये ट्रॉपिकल जोन में ज्यादा है। तो बात आती है यहाँ पर ट्रॉपिक्स की, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन से 40% फॉरेस्ट का लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में फॉरेस्ट का लॉस कम हुआ है, लेकिन जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिक्स में वहां पर ज्यादा लॉस हुआ है 40%। द प्रेजेंट सिनेरियो, अभी की जब बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रीन इन इंडिया, भारत में वनों की कटाई वर्तमान परिदृश्य विशेष रूप से गंभीर है, इसका इस लाइन का मतलब होता है। देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के शुरुआत में फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया, जितने भी भारत की जमीन है तो वहां पर 20th सेंचुरी के पहले 30% फॉरेस्ट कवर एरिया था। देखिए आगे क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी
ईट श्रंक फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, सिकुड़ गया है टू कितना रहा है 21.54%, वेयर एज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, भारत सरकार ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनाई थी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर इन अ प्लेस, ये प्लेन एरिया में, ये प्लेन एरिया में कितना फॉरेस्ट रिकमेंड किया है इस फॉरेस्ट पॉलिसी में 33%, यहां पर देखिए 33% ये प्लेन एरिया में चाहिए, यदि हिली एरिया की बात करते हैं तो फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए 67% होना चाहिए, और बिगिनिंग में कितना था 30% था 20th सेंचुरी के शुरुआत में, एंड में कितना रहा 21.54% रहा, प्लेन एरिया में 33% होना चाहिए और 67% फॉरेस्ट हिली एरिया में होनी चाहिए, यही बात 1988 में जो भी भारत सरकार ने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी तो उन्हें यह कहा है। आगे बात करते हैं साथियों कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन ऑकर, आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन ऑकर, वनों की कटाई कैसे होती है। देखिए पिक्चर में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज ह्यूमन की है तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है डिफॉरेस्टेशन के लिए, ऐसी कौन सी ये एक्टिविटीज है, क्रिया है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज द कन्वर्शन ऑफ अ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड का कन्वर्जन एग्रीकल्चर लैंड में होना एक प्रमुख कारण है। सो एज टू क्या परिणाम होते हैं, हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन ऑकर, तो पहला ये फॉरेस्ट की कटाई किस लिए होती है, फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जो भी भारत की या विश्व की ग्रोइंग पॉपुलेशन हुई उन्हें खाने के लिए, क्रॉप यील्डिंग के लिए, क्रॉप लेने के लिए, ये ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन का फीडिंग एक दूसरा कारण है। ट्रीज आर एक्स, देखिए ये ट्रीज आपको काट दे रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं कि टिम्बर यानी कि फर्नीचर बनाने के लिए ऑफिसेस में, घरों में, और ये ट्रीज ये एक्स लो रहे हैं, काट दे रहे हैं फायरवुड यानी कि ये खाना बनाने के लिए चूल्हे पर। और फोर्थ कारण है कैटल रैंचिंग यानी कि पशुपालन में, यहाँ पर देखिए तो कैटल रैंचिंग सेवरल अदर पर्पजेस एंड सेवरल अदर पर्पजेस की बात की है यहाँ पर, तो ये आपको हाउ डज अ डिफॉरेस्टेशन ऑकर, तो मेजर रीजन कहेंगे कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, नंबर एक है ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, दूसरा है टिम्बर के लिए, तीसरा फायरवुड के लिए, और फोर्थ रीजन है कैटल रेंचिंग के लिए। यहाँ पर देखिए आप इस पिक्चर में पॉपुलेशन का खाना, ये पेड़ काट रहे है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, ये और ये टिम्बर है और ये कैटल रेंचिंग है और ये आपको फायरवुड ये खाना बनाने के लिए यूज भी कर रहे। आखिरी बात करेंगे कि what are the consequences of deforestation, वनों की कटाई के परिणाम क्या है, आपको ये भी थ्योरी में भी पूछेंगे, आपको नीट में भी पूछेंगे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो देखिए कि वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स कंसिक्वेंस यानी कि वनों की कटाई के परिणाम क्या है, तो मेजर इफेक्ट्स क्या है कि नंबर एक को इनहेंस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, इसके परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ये एटमोस्फेयर में बढ़ रहा है, इन द एटमोस्फेयर इनहेंस द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर, क्यों बढ़ रहा है साथियों, ट्रीज दैट कुड होल्ड ए लॉट ऑफ कार्बन, जितने भी पेड़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करते हैं इन दियर बायोमास एट आर लॉस्ट विद द डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का या उनों का बायोमास लॉस्ट हुआ है। बायोमास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एज इन द यूनिट एरिया और वॉल्यूम ऑफ, तो देखिए यह बायोमास भी लॉस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेस, क्या परिणाम होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो देखिए दूसरा परिणाम है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है यानी कि बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ ये खतरे में आ रहा है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये यदि डिफॉरेस्टेशन होता है तो ये क्या होते हैं लॉस होते हैं। और तीसरा है कि डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, साथियों हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसे कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अर्थ के हाइड्रोस्फीयर के भीतर जो भी कंटिन्यूअस पानी का सर्कुलेशन होता है और ये सोलर रेडिएशन द्वारा क्या होता है संचालित होता है, इसमें एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर शामिल होता है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है अर्थ की सर्फेस की। और आखिरी कॉज द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल के टॉप सॉइल ये जो भी इरोज हो रही है और इससे क्या हो रहा है डेजर्टिफिकेशन इज द एक्सट्रीम केसेस में हो रहा है। तो ये हुई बात कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई के परिणाम कौन से होते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।